हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल आजू टेक पे। मैं विनोद कुरी आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि RSDO के एप्लीकेशन को आप कैसे लॉगिन करते हो। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपनी आईडी लॉगिन कर लेते हो, एक बार रजिस्टर करने के बाद आपको अपनी आईडी कैसे लॉगिन करना है, तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमने आईडी लगा ली है बट हमारी आईडी लॉगिन नहीं हो रही। तो आईडी लॉगिन करने के लिए आप क्रोम ब्राउज़र में आ जाइए। क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करने के बाद आप सीधा वहाँ पर सर्च बार पर क्लिक कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सर्च बार में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सर्च कीजिए RSDO 24। जैसा कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ RSDO। जी हाँ, मैंने कई बार सर्च कर रखा है इसलिए मेरे पास ये RSDO 24 का लिंक ओपन हो चुका है। तो आपके पास भी ठीक इसी तरह से लिंक आएगा, आप इस लिंक पे क्लिक कर दो। और अगर आपको लिंक डालने में दिक्कत हो रही तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप लिंक ले सकते हो। हाँ जी हाँ, इस तरह से जब आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाता है तो ये जो तीन लाइन दिखाई दे रहा है, ये तीन लाइन पे आप क्लिक करो। इस तीन लाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस लॉगिन के ऑप्शन पे आप क्लिक करो। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आप अपने पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर की ओर ले जाइए। जैसे आप पेज को ऊपर ले जाओगे, यहाँ पे आपको एक डाउनलोडिंग का ऑप्शन दिखाई देता है, डाउनलोड RSDO 24 ऐप का। तो आप इस डाउनलोड RSDO 24 ऐप पे क्लिक कर दो। यहाँ से जैसे आप इस पेज पे क्लिक करते हो, ये पेज आपको प्ले स्टोर पर ले जाते हैं। और प्ले स्टोर पर जाते ही आपके सामने RSDO एप्लीकेशन का एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अब मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मेरे पास ये ओपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बट आपको इंस्टॉल करना है तो आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद आप यहाँ से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ से ओपन कर लो। जहाँ से जैसे आप अपनी इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो, आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है। जैसे कि ये आया नेक्स्ट पेज, इस पेज को थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ ले जाओ। और हाँ, इस पेज में इस तरह से आपको बीच बीच में हर पेज पे क्लिक करते समय एक ऐड आता है, इस ऐड को आप कंप्लीट देखो। और वीडियो ऐड है तो वीडियो को चलने दो, उसके बाद आप इस क्रॉस लाइन पे क्लिक करो। जैसे आप इस क्रॉस लाइन पे क्लिक करते हो, पेज को थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, आप इस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करो। क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। देखिए इस टाइप का, अगर यहाँ पे बीच में वीडियो ऐड आ रही है तो आपको इस ऐड को देखना है। यहाँ पे क्रॉस का निशान आता है, इस क्रॉस के निशान पे आप क्लिक करके फिर वापस से अपने उसी पेज पे आ जाते हो। या दोस्तों, जब इस टाइप का आपके पास एक पेज आ जाएगा, मैंने ऑलरेडी अपना आईडी पासवर्ड डाल रखा है। आपको आपने रजिस्टर करते समय जो मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपने बनाया था, वही आईडी पासवर्ड आप यहाँ पे डालोगे। जी हाँ, आपको पासवर्ड और मोबाइल आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल पे SMS के ज़रिए आपको मिल गया होगा। तो आप इस लॉगिन पे क्लिक कर दो। आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ राइट पे क्लिक कर दो, जिससे आपको बार बार यहाँ पर आईडी पासवर्ड आपको डालना नहीं होगा। तो फिर आप इस लॉगिन पे क्लिक कर दो। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, आपका ओरिजिनल पेज ओपन होता है। और इस टाइप का ये जो पेज आया है, यहाँ से आप इस नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। चलिए इस नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक और पेज ओपन हो जाता है। हमारे सामने ये आ गया है एप्लीकेशन का डैशबोर्ड पेज। मैंने यहाँ पे कुछ वर्क कर रखा है, इस वजह से मेरे पास ये शॉप मनी और कैश मनी यहाँ पे शो कर रहा है। बट आपने अभी न्यू लॉगिन कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ 30 कैश मनी में आपको ओनली 50 रुपये साइनअप बोनस मिला होगा। तो आप इस पेज को थोड़ा सा ऊपर करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो गो टू टास्क का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस गो टू टास्क के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दो। जैसे आप गो टू टास्क के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, आपको एप्लीकेशन वेबसाइट पे ले जाता है। वेबसाइट पे आने के बाद इस टाइप का आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपके इस एप्लीकेशन में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे न्यू ब्राउज़र, यहाँ पे गेट सपोर्ट, फिर डाउनलोड RSDO और आपके रेफरल लिंक है। यहाँ पे आप क्लिक करके अपने लिंक को शेयर कर सकते हो। अपने लिंक को आप यहाँ पे फेसबुक, व्हाट्सअप, जीमेल, ट्विटर या कॉपी करके कहीं भी पेश कर सकते हो। अब इसके बाद कंपनी का जो भी अपडेट आता है, ये कंपनी का यूट्यूब साइड है, आप इस यूट्यूब वीडियो पे क्लिक करके कंपनी की नेक्स्ट अपडेट ले सकते हो। यहाँ से भी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा कंपनी के बारे में, यहाँ से आपको मिलता रहेगा। अब यहाँ पे मैं बता दूँ जो आपको वर्क क्या करना है, तो ये फ्री टास्क और ये एक्टिव टास्क, ये दो टास्क आपको कंप्लीट करने होते हैं, जिसका कंपनी आपको 6 रुपये फ्री टास्क का और 6 रुपये इस एक्टिव टास्क का देती है।
तो और यहाँ पे नीचे इसके ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड पीडीएफ प्लान, यहाँ से आप इस प्लान को पूरा डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आपको प्लान का पूरा पीडीएफ फाइल मिल जाएगा और यहाँ से आप अपना वैलेट चेक कर सकते हो और यहाँ से आप अपनी टीम चेक कर सकते हो। तो ये सारा था, ये सारा कुछ इंटरफेस था। अब यहाँ में ऐड व्यू कैसे करना है ये आपको इसका जो है मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, तो आपको इसके भी वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे वीडियो कैसे टास्क कैसे कंप्लीट करना है। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको जो भी नेक्स्ट अपडेट चाहिए कमेंट्स में आप लिखिए, आपको मिल जाएगा और कमेंट्स में मेरा मोबाइल नंबर भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।